फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टाइलिश मॉम फॉर एवर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चे की जो मूवमेंट है वो कितनी बार फील होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फील होने लग जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की मूवमेंट जो होती है वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो सारे बच्चे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसा नहीं होता है कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे मूवमेंट करेंगे और एक ही जैसा मूवमेंट करेंगे। ऐसे इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है कि बच्चा दिन में 10 बार मूवमेंट करेगा या बच्चा दिन में 2 बार मूवमेंट करेगा। बच्चे की जो है मूवमेंट होती रहनी चाहिए। अगर बिल्कुल रुक गई है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तब नहीं हो रही है, तब आपको घबराने की ज़रूरत होती है। कई बच्चे प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर से मूवमेंट करना यानी कि करना स्टार्ट कर देते हैं, और कई बच्चे जो होते हैं वो जब सेकंड ट्राइमेस्टर बिल्कुल एंड हो रहा होता है उस टाइम पे मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चे पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का है, किस नेचर का है। तो आपको इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके बेबी का मूवमेंट जो है वो लेट भी स्टार्ट होता है तब भी परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बच्चा गर्भ में हर टाइम हर समय किक नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा हर टाइम ही मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है तो कभी भी उसकी मूवमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बच्चे की मूवमेंट है वो हो रही है या फिर नहीं। आपको पता लगने लग जाता है कि आपके क्या खाने से, क्या पीने से बच्चा जो है वो मूवमेंट ज़्यादा करता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आपको बेबी की कोई मूवमेंट फील नहीं हुई है, तो उस केस में आप जो है वही चीज़ें रिपीट करें जिनसे आपको लगता है कि बच्चा मूवमेंट करता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, जो हम मीठा खाते हैं कुछ, तो उससे भी माना जाता है कि बच्चे जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप उस टाइम पे कोई मीठी चीज़ खा के देख सकते हैं, ठंडा पानी पी के देख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जब पूरे दिन आप काम में लगे हुए हैं, बिजी हैं, तो आपका ध्यान नहीं जाता है बच्चे की हलचल की तरफ। तो ऐसा नहीं होता है, बेबी जो है वो रेगुलर टाइम पर अपना मूवमेंट कर रहा होता है। लेकिन बच्चा जो है गर्भ में आराम भी करता है, रेस्ट भी कर रहा होता है, तो अगर आपको उस टाइम बेबी की मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो आप ये समझें कि बच्चा जो है वो अभी रेस्ट कर रहा है यानी कि सो रहा है। दूसरी चीज़ जो है, अगर बच्चा मूवमेंट काफ़ी टाइम तक नहीं करता है तो अगर आप अपने पेट को सहलाते करते हैं तो उस टाइम पे भी बच्चा जो है वो थोड़ी सी किक कर देता है या तो अपना हल्का सा मूवमेंट ज़रूर कर देता है। इसके साथ साथ अगर आप करवट लेकर लेट जाते हैं तब भी आपको बेबी की मूवमेंट फील होनी स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी का जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है, जब बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है लगभग 6-7 महीने से, तो उस टाइम पे आपको मूवमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाती है, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, तब उसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि यूट्रस में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा किक कर पाए। इसी के साथ साथ जब प्रेगनेंसी का आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है और जब बच्चा हेड डाउन पोजिशन में आ जाता है, उस टाइम पर भी बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम बच्चे का हेड जो है वो फिक्स हो चुका होता है और उसका साइज़ भी अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है। तो उस टाइम पर भी आपको बच्चे की मूवमेंट जो है वो कम फील होती है। तो इसमें भी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा जैसे मूवमेंट पहले करता था सेम वही अब भी कर रहा है और कितने टाइम के बाद कर रहा है। कई बच्चे जो होते हैं वो दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और कई बच्चे जो होते हैं वो रात के टाइम पे मूवमेंट करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर आप कुछ खाना खाते हैं या फिर कुछ और चीज़ खाते हैं तो उस टाइम पर भी आपको बेबी की मूवमेंट जो है वो ज़्यादा फील होती है। तो आपको ये चीज़ें नोट करती रहनी है कि ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जब आप वो करते हैं तो उस टाइम पे बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा होती है। चलिए बात करते हैं कि आप क्या क्या कारण हो सकते हैं जब बच्चा अच्छे से मूवमेंट नहीं करता है। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छे से पानी नहीं पी रहे हैं। अगर आप प्लेन पानी नहीं पी पाते हैं तो आप पानी में कुछ मिक्स कर लें, जैसे कि रूह अफ़ज़ा वगैरह मिक्स कर सकते हैं, उसका फ्लेवर थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आप नारियल पानी पी सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, फलों ताज़ा फलों का जूस आप बना सकते हैं घर पर, वो पी सकते हैं। तो आपको लिक्विड डाइट जो है वो ज़्यादा लेनी है ताकि आपकी बॉडी में, आपके पेट में जो है पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो। अगर पेट में पानी की कमी होगी तो बच्चा वैसे भी ठीक से मूव नहीं कर पाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है हेल्दी खाना। आपको हमेशा प्रेगनेंसी के टाइम पे हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। जो ज़्यादा तला भुना, ज़्यादा फ्राइड खाना होता है, ज़्यादा मसालेदार होता है, उससे भी बच्चे को
परेशानी होती है, तो आप इस तरह का खाना खाने से भी बचें। ऐसा खाना खाएं जो पौष्टिक हो, जो बच्चे को भी एनर्जी दे और आपको भी एनर्जी दे, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगली जो चीज़ होती है वो ये भी हो सकती है कि आप इस तरह से पोजिशन में ऐसे बैठे हैं कि आपके पेट पर जो है वो दबाव पड़ रहा है, तो पेट पर दबाव भी नहीं पड़ना चाहिए। कई बार आपके पेट पर दबाव पड़ता है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो ठीक से हलचल नहीं कर पाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप जब भी रेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर ही सोएं। अगर आप लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोते हैं तो उससे बच्चे का विकास भी ठीक से होता है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन वगैरह भी मिलता है और साथ ही साथ जो है उसका मूवमेंट भी ठीक तरीके से होता है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। पीठ केवल ना सोएं, थोड़े बहुत टाइम के लिए आप सो सकते हैं, अदरवाइज़ आप करवट लेकर ही सोएं, वो ज़्यादा सही माना जाता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी के टाइम में एक बार में इकट्ठा बहुत सारा खाना नहीं खाना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाना आपको खाते रहना है ताकि आपको पेट फूलने की समस्या ना हो। क्योंकि कई बार अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लेते हैं तो आपको भी इतना ज़्यादा आलस आने लग जाता है, नींद सी आने लग जाती है, तो उससे पेट भी फूलने लग जाता है, तो बच्चे की मूवमेंट उस टाइम पर भी आपको फील नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो है स्ट्रेस। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, उदास रहते हैं या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे रोते हैं तो उसका भी जो है नेगेटिव इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है। उस टाइम पे भी बच्चा जो है ठीक से मूवमेंट नहीं करता है और बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर जो भी करती है, जो भी सोचती है, उसका इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट बच्चे पर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे आप हमेशा खुश रहें, इंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी को, ये फेज लाइफ में बार बार नहीं आता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हमेशा खुश रहें, आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से डेवलप होगा और वो अच्छे से हलचल भी करेगा। कई बच्चे जो होते हैं वो तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट करते हैं कि अगर आपके पास कोई बैठा है, अगर आप किसी को दिखाएंगे तो वो दूसरे को भी पता चलते हैं, मतलब वो वेव की तरह से मूवमेंट करता है बच्चा। कई बार किसी कोने में बहुत ज़्यादा आपको पेट उठा हुआ सा लगता है तो उससे पता चल जाता है कि हाँ इस समय बेबी मूव कर रहा है। लेकिन कई लोगों को जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है और दूसरे सामने वाले व्यक्ति को उसका अंदाज़ा नहीं लगता है। तो हर बच्चे की जो मूवमेंट है, मूवमेंट करने का तरीका है, मूवमेंट करने का टाइम है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। जब भी आप अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें कि किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। आप अगर ऐसा है कुछ तो आप अपने डाइट में लिक्विड डाइट को बढ़ाएं, उससे वो ठीक हो जाता है और उसके लिए डॉक्टर प्रॉपर मेडिकेशंस भी आपको देते हैं जिससे कि वो ठीक हो जाता है और उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, बच्चे की मूवमेंट बिल्कुल ठीक ठाक रहेगी अगर मदर ठीक रहती है, एक्टिव रहती है, अच्छा खाना पीना खाती है तो। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और अब बच्चे की हलचल को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुश रहें, बच्चे की मूवमेंट नोट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।